स्टूडेंट्स, हम इसमें देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर के बारे में। तो इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर है कि इसके फ्रीक्वेंसी मीटर हाई है तो फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करने के काम आता है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए किसी सिस्टम पे। तो इसमें क्या होता है, एक लेमिनेटेड आयरन कोर होता है, लेमिनेटेड आयरन कोर होता है जिसका क्रॉस सेक्शन है वो वेरी होता है, और इसमें एक क्रॉस सेक्शन में एक मैग्नेटाइजिंग कॉइल हम वाउंड करके रखते हैं एक साइड पे, एक एंड पे उस आयरन कोर के। और दूसरा एक मूविंग कॉइल होता है जो कि पॉइंटर, जिसमें मूविंग कॉइल जिसे पॉइंटर है आपका अटैच रहता है, और जो कि पाइवेटेड होता है जिससे कि वो फ्रीली मूव हो सके उस आयरन कोर के नियर बाई एरिया पे, उसके मैग्नेटिक फील्ड पे। अब इसमें क्या करते हैं, जो मूविंग कॉइल होता है उसमें हम एक स्टैंडर्ड कैपेसिटर एड करके रखते हैं, और हम फिक्स्ड कॉइल पे हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं जिसका फ्रीक्वेंसी हमको डिटरमाइन करना है। जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी हम कनेक्ट करते हैं, अब इसका वर्किंग इसमें कैसे वर्क करता है, जब मैग्नेटाइजिंग कॉइल में हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो इसमें करंट फ्लो होने लगता है जिससे एक फ्लक्स सेटअप होता है उस मैग्नेटाइजिंग कॉइल पे, जिस फ्लक्स सेट होता है जो कि सेम फेस पे होता है जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई किए हैं उसके। अब उसमें मैग्नेटिक फील्ड सेट होगा तो उसके मूविंग कॉइल पे क्या होगा, एक EMF जनरेट होता है, उस EMF के कारण एक फ्लक्स सेट होता है जो कि 90 डिग्री लैग करता है, जो EMF इंड्यूस होता है वो 90 डिग्री लैग करता है किसमें, मूविंग कॉइल पे। अब इसको हम फिगर से ही देखते हैं कि फिगर में एक्चुअल में क्या होता है। इसमें आपको एक सबसे पहले एक फिक्स्ड कॉइल, एक आयरन कोर है जिसका क्रॉस सेक्शन है वेरी हो रहा है, इसमें एक कॉइल वाउंड किया गया है, फिक्स्ड कॉइल है, इस मैग्नेटाइजिंग कॉइल या फिक्स्ड कॉइल जिसको हम सप्लाई से डायरेक्टली कनेक्ट किए रहते हैं जिसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जाती है। ये है आपका एक मूविंग कॉइल है जिससे कि एक पॉइंटर अटैच है जिससे हम फ्रीक्वेंसी डिटरमाइन करते हैं, और ये पॉइंटर है वो पिवोटेड होता है जिससे कि पॉइंटर और ये आपका मूविंग कॉइल फ्रीली रोटेट हो सके। अब इसमें एक कैपेसिटर, हम फिक्स्ड कैपेसिटर हम ऐड करके रखते हैं किसमें, आपके मूविंग कॉइल पे। अब क्या होता है, जब हम इस मैग्नेटाइजिंग कॉइल पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो इसमें एक फ्लक्स प्रोड्यूस होता है, फ्लक्स जो कि सेम फेस पे होता है जिसमें एक करंट होता है। अब इस फ्लक्स के कारण मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो डेवलप होता है उसके कारण इस मूविंग कॉइल पे एक वोल्टेज इंड्यूस होता है, इस वोल्टेज इंड्यूस होने के कारण इसमें करंट फ्लो होती है, और उस करंट के कारण इसका खुद का फ्लक्स आता है। जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं, मूविंग कॉइल का और मूविंग कॉइल का करंट या फिर फ्लक्स या तो और मैग्नेटाइजिंग कॉइल का करंट या फ्लक्स, तो इसमें एक टॉर्क प्रोड्यूस होता है जिस टॉर्क से आपका ये पॉइंट, ये मूविंग कॉइल है वो इस पिवोट के क्रॉस मूव होता है जिससे कि आपका पॉइंटर है इस स्केल पे मूव होता है। अब स्टूडेंट्स, ये पॉइंटर एक्चुअल में रुकता कहाँ पे है, ये हमारा है आपका इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस टाइप फ्रीक्वेंसी मीटर। इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस टाइप में क्या होता है, आपका जो इंडक्टिव कैपेसिटेंस होता है वो एक्चुअल होता है आपका कैपेसिटिव कैपेसिटेंस के इक्वल होता है। तो XL=ωL=1/ωC, जहाँ पर ये होता है इसमें ये क्या, जब पॉइंट ये मूव होता है मूविंग कॉइल इस साइड आता है तो इंडक्टिव, हाईली इंडक्टिव होता है तो आपका इसके साइड अट्रैक्ट होता है, जब कैपेसिटिव होता है तो ये उससे रिपेल होता है। तो इसमें हम आपको पावर फैक्टर के अकॉर्डिंग इसका फेजर डायग्राम दिया हुआ है, एक तो फिक्स्ड कॉइल का फ्लक्स या फिर उसका करंट और उसका फ्लक्स सेम डायरेक्शन पे, जो मूविंग कॉइल पे वोल्टेज इंड्यूस होता है वो ई, लैगिंग पावर फैक्टर के लिए उसका करंट है वो पीछे चलता है, सिमिलरली लीडिंग पावर फैक्टर के लिए उसका करंट है वो आगे चलता है अल्फा एंगल से, और सेम पावर फैक्टर पे रहता है, पावर फैक्टर सेम रहता है या फिर सेम फेस पे होता है तो सेम डायरेक्शन पे होता है, और इसी प्रिंसिपल को फॉलो करता है ये XL=XC, मतलब इंडक्टिव कैपेसिटिव दोनों आपस में कैंसिलाइज हो जाते हैं और प्योरली यूनिटी पावर फैक्टर का हो जाता है, प्योरली रेजिस्टिव। अब इसमें जो टॉर्क प्रोडक्शन होता है वो प्रोपोर्शनल होता है करंट का, मूविंग कॉइल में करंट कैपिटल आई, कोई भी हो सकता है मूविंग कॉइल का करंट, फिक्स कॉइल का करंट, और कॉस ऑफ 90±α, डिपेंड ऑन लेगिंग या लीडिंग जो भी रहेगा इसमें। तो ये टोटल आपका जब भी इसमें रिएक्टेंस ऑफ आपका रेजोनेंस ऑफर होता है तो ये हो जाता है आपका टोटल 90 डिग्री। तो ये कॉस 90=0, तो उस समय जब भी इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस ऑफर होता है XL=XC, तो उस समय कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होता, और उस समय पॉइंटर जहाँ पर भी रहता है वही उसका फ्रिक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है उतने टाइम पे। तो XL=XC होता है तो इस समय सिस्टम में जो ओवरऑल टॉर्क है वो जीरो होता है। अब इसमें क्या होता है,
जब भी हमारा सिस्टम है इंडक्टिव बिहेव करता है, इसमें सिस्टम में इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा एल ऑफर होता है, तो उस कंडीशन में हमारा, जैसे पहले बताया था, इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफर होता है तो आपका मूविंग कॉइल है वो पॉइंट आपका फिक्स कॉइल या फिर मैग्नेटाइजिंग कॉइल के साइड अट्रैक्ट होता है। बट उस कंडीशन में अट्रैक्ट होगा तो आपका अकॉर्डिंग टू फ्रिक्वेंसी भी स्लो होगा, तो उस कंडीशन पे आपका फ्रिक्वेंसी कम होगा तो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी। तो एक कम होगा तो एक इंडक्टिव रिएक्टेंस कम होगा तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस बढ़ेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस कम होगा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस बढ़ेगा। तो ओवरऑल ये दोनों पॉइंटर वहीं पर इक्वल होता है जहाँ पर ये इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस आपका ऑफर होता है उस टाइम पे। इसमें एडवांटेज के लिए, इसमें हम एडवांटेज ये होता है कि ये हाईली सेंसिटिव होता है, बट उसके लिए कंडीशन क्या है, आपका जो कोर है जिसमें आपका फिक्स्ड कॉइल या फिर मैग्नेटाइजिंग कॉइल वाउंड है, उसमें जो वेरिएशन है हमारा आयरन के कोर पे, उसका वेरिएशन है बहुत ही स्लोली वेरिएशन होना चाहिए, सडन चेंज नहीं होना चाहिए, और आपका जो मूविंग कॉइल का इंडक्टेंस है वो स्लो चेंज होना चाहिए, सडन चेंज नहीं होना चाहिए। जब उसमें स्लो वेरिएशन होता है तो उस कंडीशन पे आपका एडवांटेज इसमें ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा अच्छा सेंसिटिव है, सेंस करने की कैपेसिटी इसमें होती है, जब इसमें इंडक्टेंस का चेंज होना है जो मूविंग कॉइल पे वो स्मूथली हो, जिससे कि हमारा XL = XCA फॉलो होते रहे, हम इसको फॉलो कर पाए आपका जो इंस्ट्रूमेंट।